तो इसीलिए कहा कि हनुमान शम नहीं बड़े भागी। अब ये रहा बड़भागी वाली बात। हनुमान जी महाराज एक बहुत अच्छे संवाददाता थे, वह एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं। श्री सुग्रीव जी को राम जी से मिलाया संवाद देकर, श्री विभीषण जी को श्री राम जी से मिलाया संवाद देकर, श्री सीता जी को श्री राम जी से मिलाया संवाद देकर, श्री भरत जी को श्री राम जी से मिलाया संवाद देकर। समाचार देने वाले को ऐसा होना चाहिए जो पदार्थ में अटके नहीं और प्रशंसा में भटके नहीं। भीषण जी के पास पहुंचे, भीषण जी बोले कि सुनाहू पवन सोते रहन हमारी, सुनाहू पवन सोते रहन हमारी, जिमे दसन मैं जीव बिचारी, जिमे दसन मैं जीव बिचारी। भीषण जी बोले हनुमान जी हम तो यहां ऐसे रहते हैं जैसे 32 दांतों के बीच जीभ रहती है। हनुमान जी बोले विभीषण जी विचारे मत बनो, विचार करो। विभीषण जी बोले क्या विचार करें? बोले मुंह में पहले जीभ आई कि दांत? विभीषण जी बोले पहले जीभ आई। अच्छा बताओ अंत तक जीभ का भरोसा है कि दांतों का? बोले जीभ का। क्यों दांतों का क्यों नहीं? बोले दांत तो बीच में आते हैं और बीच में ही चले जाते हैं। बोले ठीक है, जो पहले से है और बाद तक है वह जीभ इतनी डरी हुई क्यों है? बोले महाराज सो तो ठीक है लेकिन दांत 32 हैं और जीभ एक है, अकेली जीभ 32 दांतों का क्या बिगाड़ेगी? हनुमान जी बोले विभीषण जी जीभ तो दांतों का ऐसा बिगाड़ेगी कि कोई बिगाड़ ही नहीं सकता। कहा कैसे? बोले जब दांत ज्यादा परेशान करने लगते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाकर बोलते हैं, वहां बोलता कौन है? जीभ। जीभ क्या कहती है? डॉक्टर साहब अब ये दांत तो बहुत परेशान करने लगे हैं। एक जीभ जब डॉक्टर से दांतों की शिकायत करती है तो दांत 32 होने के बाद भी क्या बोल सकते हैं कि इनकी नहीं हमारी सुनो? नहीं बोल सकते। और डॉक्टर क्या करता है? एक लेता है औजार और एक एक करके सभी दांत निकाल कर बाहर कर देता है। अब मुख में जब एक भी दांत ना रहे तो राज किसका? जीभ का। चाहे जहां घूमे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। हनुमान जी ने कहा विभीषण जी आप बेकार परेशान हो रहे हो, आप जीभ के समान हो, राक्षस दांतों के समान है। थोड़ा सा धैर्य रखो, पुरुषार्थ रखो, कुछ दिन बाद डॉक्टर साहब आने वाले हैं। बोले कौन डॉक्टर? बोले श्री राम जी। और कहां? समुद्र के किनारे शिविर लगने वाला है, आप चले चलना और चलकर शिकायत भर कर देना, अगर एक बच जाए हमें बता देना। ऐसे उदास लोगों में पुरुषार्थ उत्साह भर देने वाले श्री हनुमान जी महाराज ही हैं। बात भी सही निकली, गोस्वामी जी महाराज ने भी संकेत दिया कि तुम्हें रो मंत्र विभीषण माना, तुम्हें रो मंत्र विभीषण माना, लंगकेश्वर भय सबे जग जाना। हनुमान जी महाराज जब चले जाते थे तो उनसे कहा गया था, जब वो लंका के लिए आए थे तो उनसे क्या कहा था? सीता ही देखी कहो सुध आई, सीता ही देखी कहो सुध आई, सीता ही देखी कहो सुध आई। उनसे सिर्फ ये कहा था वहां आपको कुछ करना नहीं है, केवल सीता जी को देखकर यहां उनका समाचार देना है। गए लेकिन रास्ते में सुरसा बोली राम काज सब करे हाऊ, सब करना। और आगे गए लंकिनी बोली प्रवेश नगर क
कीजे सब काजा। अब हनुमान जी परेशान, इतना तो पता है कि सीता जी को देखकर समाचार देना, लेकिन ये सब क्या है। हनुमान जी भी समर्पित हैं, बोले पहले उतना तो करें जितना कहा था, ये सब जब आएगा तब देखा जाएगा। भीषण जी से युक्ति पूछी, सीता जी के पास पहुंच गए, पहुंचकर पत्तों में छिप गए, सोचने लगे क्या करूं। रावण आया, भय दिखाकर चला गया। त्रिष्ठा आई, सीता जी ने आग मंगाई। त्रिष्ठा बोली आग नहीं है। हनुमान जी बोले चिंता ना करो, ये कह रही है आग नहीं है, कल लंका में आग ही आग दिखाई देगी। सीता जी को उदास देखा, हनुमान जी ने मुद्रिका गिराई। किसी ने हनुमान जी से मुद्रिका मुख में रख कर लाए हो ऐसा पूछ दिया, क्या मुद्रिका मुख में रखने की चीज है। हनुमान जी बोले मुद्रिका तो मुख में रखने की चीज नहीं है, लेकिन इसमें जो लिखा है, तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर, इसमें जो लिखा है वह तो मुख में रखने की चीज है ना। अब सोचा आगे क्या करें, तो राम चंद्र गुण बरने लागा, राम चंद्र गुण बरने लागा, सुने तह सीता कर दुख भागा, सुनी तह सीता कर दुख भागा। अब दुख यहां मिटा नहीं, केवल भगा है, अभी दुख मिटा नहीं है। सीता जी बोली कथा कितनी सुंदर है। हनुमान जी बोले माता केवल कथा ही सुंदर है, कथा कहने वाला तो बिल्कुल एक बंदर है, इसको छिपा ही रहने दो तो ही अच्छा है। नहीं मानी, हनुमान जी महाराज सामने आए, अपना परिचय क्या दिया कि राम दूत में मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, राम दूत में मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु मैं आनू, दीन राम तुम कैसा है दानी, दीन राम तुम कैसा है दानी। सीता जी को भरोसा नहीं हो रहा था, क्या मुद्रिका ये बानर ला सकता है। बोली नर बानर संग कहू कैसी, नर बानर संग कहो कैसी, कही कथा वही संगति जैसी, कही कथा वही संगति जैसी। सीता जी ने विश्वास नहीं हो रहा था, हनुमान जी महाराज ने सारी कथा उनको सुना दी, लेकिन उस समय हनुमान जी के नेत्रों में आंसू देखकर कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास जाना मन के वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। मां सीता जी ने देख लिया कि यह मन वाणी और कर्म से श्री राम जी का ही दास है। अब हनुमान जी से श्री सीता जी ने प्रश्न किया, और वह भी बड़ा निराशाजनक प्रश्न था। बोली और तो मैंने सब देख लिया, किंतु आहा ही नाथ मोहने पट बिसारी, श्री राम जी ने मुझे भुला दिया। अब हनुमान जी की जगह अगर कोई और होता हमारे तुम्हारे जैसा, कहता हाँ ये बात तो है, उन्हें ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, किया तो गलत है, लेकिन आप चिंता मत करो, हम उन्हें समझाएंगे, उनसे जाकर कहेंगे, ऐसे ही थोड़ी है। पर हनुमान जी महाराज बोले माता प्रभु श्री राम जी ने आपको भुलाया ही नहीं, कितने अच्छे संवाददाता हैं। जानकी माता बोली इसका क्या प्रमाण है कि राम जी ने मुझे नहीं भुलाया। हनुमान जी बोले माता तो इसका भी क्या प्रमाण है कि राम जी ने आपको भुला दिया। सीता जी बोली मुझे पता है, इंद्र के पुत्र जयंत ने कौआ बनकर मेरे पैरों में चोंच मारी थी, तो प्रभु ने उसके पीछे अपना बाण लगा दिया था, और हरण करने वाला रावण अब तक चैन से बैठा है,
इसके पीछे अभी तक बाण नहीं लगाया, इसीलिए मैं कह रही हूं कि अहनाथ हो निपट बिसारी। अब ऐसी स्थिति में उत्तर क्या दिया जाए, यह समाचार देने वाले की कुशलता पर निर्भर करता है। हनुमान जी महाराज बोले, ठीक है मां, एक बात बताओ, जयंत के पीछे राम जी ने बाण लगाया था? बोली हां। बोले किस रूप में? धनुष बाण तो था नहीं, अरे लकड़ी की सीख को बाण बना के। ठीक है, सीख को देखकर कौन पहचान पाया होगा कि यह प्रभु का बाण है? बोले अरे यह तो भगवान का संकल्प था। अच्छा, तो और लोगों को तो सीख ही दिखती होगी ना, और भगवान के संकल्प में बाण होगा? बोली हां ये बात तो है। चलो बोले हनुमान जी, बोले ये सही है। बोले माता, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जयंत के पीछे सीख का बाण लगाया था और हरण करने वाले रावण के पीछे किसी और रूप में बाण लगा दिया हो। जानकी माता बोली, और किस रूप में बाण लगाया होगा? हनुमान जी बोले, माता जयंत के पीछे बाण लगाया सीख के रूप में, और दशानन के पीछे जो बाण लगाया वह बानर के रूप में। कैसे? कि जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, जिम अमोघ रघुपति कर बाना, एही बाती चलो हनुमाना। जिस प्रकार जयंत के पीछे बाण लगा था, उसी प्रकार रावण के पीछे भी लगा है। जिम अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमाना। राम जी का बाण किसान हुए, धनुज बन किसानुम। इसलिए जननी हृदय धीर धरु जरे निशाचर जानू। जानकी माता इतनी प्रसन्न हो गई, उनके मन की सारी निराशा मिट गई, मन आशा से भर गया, राम जी का स्मरण हो आया। तो समाचार ऐसा दिया जाए जो जोड़ने वाला हो, तोड़ने वाला नहीं, ऐसे संवाददाता श्री हनुमान जी महाराज हैं। सीता जी बोली, हनुमान तुमने ठीक बता दिया कि राम जी का बाण आ गया। हनुमान जी बोले, मैंने क्या बता दिया, ये तो आपकी लीला है, आपको पहले से पता था। रावण से आपने पहले नहीं कहा था कि अस मन समझो कहत जानकी, खल सुध नहीं रघुवीर बाण की। अरे आपने तो पहले ही कह दिया था कि रे दुष्ट, तुझे राम जी के बाण की जरा भी सुध नहीं है, राम जी का बाण तो आ गया है। माता गदगद हो गई, आशीर्वाद दिया कि आजर अमर गुण ने दे सोते हो, और समाचार देने तो वे रावण के पास भी गए। जब रावण ने पूछा कि तू कौन है, हनुमान जी अपना परिचय किस रूप में देते हैं, बोले रावण चाके बल लब ले सोते जिते ऊं चरा चर झारी, ताश दूत में जाकर हर आने ओ प्रिय नारी। बोले मैं उन्हीं राम जी का दूत हूं और तुम्हें समाचार देने आया हूं, अतः बिनती करूं जोरी कर रावण। मेरी बात मान जाओ, दिमाग तो तुम्हारा बहुत सही है, दस सिर भी हैं, अतः बौद्धिक प्रतिमा भी दस गुनी है, लेकिन तुम्हारा दिल खराब है। हनुमान जी बोले, अपना तुम दिल ठीक कर लो, अपने हृदय में सदहृदयता भर लो। कैसे होगा यह सदहृदय? हनुमान जी बोले, बहुत आसान तरीका है। क्या? बोले कुछ नहीं, बस राम चरण पंकज और धरहू, अपने आप तुम में सदहृदयता आ जाएगी। रावण बोला, ये अद्भुत आदमी हो तुम, क्यों? बोले तुम्हें इतनी चीजें भरी नहीं दिखाई दे रही, मेरी दो भुजाएं हैं बल से भरी हैं, दस सिर हैं बुद्धिमत्ता से भरे हैं, शास्त्रागार शास्त्रों से, सैन्यागार सैनिकों से, राजमहल रानी महारानियों से, लंका की सुरक्षा में चारों ओर से समुद्र भरा है, तुम्हें इतनी भरी चीजें नहीं दिखाई दी, खाली क्यों दिख गई? बड़ी निगेटिव सोच है तुम्हारी।
मैं इन भरी हुई चीजों से संतुष्ट हूं, एक खाली बने रहे तो क्या। हनुमान जी बोले, रावण एक ही तो है, लेकिन वो है कितनी कीमती। किसी का पूरा शरीर काम करता है, बस हार्ट काम नहीं करता, हृदय काम नहीं करता, फिर शरीर किस काम का। रावण बोला, यदि यही बात है तो इतने लोग हमें मिले किसी ने नहीं कहा। हनुमान जी ने कहा, रावण दो तरह के फोटोग्राफर होते हैं, एक कैमरे वाला और एक एक्सरे वाला। अब कैमरे वाले को तो आपके अंदर से कोई मतलब नहीं कि आप अंदर से खुश हैं या दुखी हैं, उसे तो बाहर की फोटो खींचना है। एक जगह विवाह हुआ, लड़की की विदा हो रही थी, माता पिता सभी रो रहे थे। फोटोग्राफर पिता से कहता है, थोड़ा हमारी तरफ देखिए, मुस्कुराइए। पिता बोला, अजीब आदमी हो, हम अंदर से दुखी हैं, लड़की को विदा कर रहे हैं, तुम कहते हो मुस्कुराओ। फोटोग्राफर बोला, आप अंदर से खूब दुखी रहिए, हमें क्या लेना देना, बस थोड़ा सा हमारी तरफ देखकर मुस्कुरा दीजिए। तो रावण, अभी तक तुम्हें तुम्हारी झूठी प्रशंसा करने वाले फोटोग्राफर कैमरे वाले मिले हैं, किंतु मैं तो एक्सरे वाला हूं, मुझे तुम्हारे बाहर से कोई लेना देना नहीं। डॉक्टर तो बस अंदर के एक ही भाग का एक्सरे करता है, जहां कमी हो उसकी फोटो में आपके कपड़े, बाहर का कोई फोटो नहीं आता। तो मुझे तो वही दिखा जहां खराबी है, पर रावण नहीं माना। जब एक खोपड़ी वाला नहीं मानता तो 10 खोपड़ी वाला भला कैसे मान जाएगा। और लंका जली, हनुमान जी ने लंका जलाई, वापस जानकी माता जी के पास आए। इतना बड़ा काम करके आए, फिर भी कोई अभिमान नहीं, वही सद्हृदय था। जानकी माता ने संदेश दिया, अब संदेश उसी रूप में दिया जिस रूप में वही थी। जानकी जी दीनी थी तो परम दुखी बा पवन सुत देखी जाने की दीन। माता जानकी दीनी थी, इसलिए उन्होंने प्राणनाथ नहीं कहा, स्वामी नहीं कहा, राम जी नहीं कहा, दीनी थी, इसलिए उसी भाव से कहा कि दीन दयालो बिरुद संभारी, दीन दयालो बिरुद संभारी, भरा हो नाथ मम संकट भारी। बोले, दीनदयालु से मेरा संकट बताना। जानकी जी बोले, हनुमान कहूँ ताते ऐसे मोरे प्रणाम, कहूँ ताते ऐसे मोरे प्रणाम, कहूँ ताते ऐसे मोरे प्रणाम, कहूँ ताते ऐसे मोरे प्रणाम। हनुमान जी सोचने लगे, प्रणाम तो ठीक है, लेकिन ये अस क्या है, अस मोर प्रणामा। अब ये अस शब्द बड़ा विचित्र है। वो कहती है कि मेरा ऐसा प्रणाम कहना, कैसा। जानकी माता उस दिशा की ओर मुड़ गई जिस दिशा में श्री राम जी थे, घुटने के बल बैठ गई, आंखों में आंसू भराए, उस दिशा में पृथ्वी पर सिर रख कर प्रणाम किया। हनुमान जी बोले, माता यह क्या है, आप ये क्या कर रही हैं। सीता जी बोली, बेटा जैसा मैं यहां कर रही हूं ऐसा ही तुम्हें वहां करना है, अतः काहे उतात अस मोरे प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरण कामा। हनुमान जी वापिस आए, सीता जी को संदेश दिया था कि माता आपके वियोग में प्रभु इतने दुखी हैं कि अपने बाण की ही सुध भूल गए। तो जानकी माता ने क्या कहा था कि तात सके सोते कथा सुना, चाहू बाण प्रताप प्रभु समुदा चाहू। अब राम जी ने क्या पूछा, काऊ ताते रामा, काऊ ताते कई भांति जाने की, रात करत रक्षा सब जाने की। श्री जानकी जी कैसी हैं, हनुमान जी ने क्या बताया, सीता के यति विपति विशाला,
सीता के अति बेपति बुसाला बिन कहे बल दीन दयाला बिन कहे बल दीन दयाला सीता के अति बेपति बुसाला बिनाही कहे बल दीन दयाला। श्री सीता जी को समाचार दिया था कि राम जी आपको चाहते हैं, आपकी याद में डूबे रहते हैं, आपको भुलाया नहीं। और राम जी को क्या सुनाया, बोले कि सीता जी कि विपत्ति आपसे न कही जाए तो अच्छा है, क्योंकि आप दीन दयालु हैं, आपका नाम बदनाम हो जाएगा, कौन कहेगा आपको दीन दयाल जब दीनों की ये दशा हो। अतः बिना ही कहे भली दीन दयाला। राम जी बोले हनुमान अभी तो तुम कह रहे थे कि तब काहे हनुमंत विपति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होई। जब सीता जी को दिन रात मेरा स्मरण करती हैं फिर उन्हें विपत्ति क्यों आई। हनुमान जी बोले महाराज यही तो विडंबना है, अगर कोई आपका भजन ना करे तो विपत्ति, इसका अर्थ है उसने आपको भुला दिया। लेकिन प्रभु जो आपको भुलाने में विपत्ति में रहता है, और हे भगवान जिसे आप भुला दें वह अति विपत्ति में रहता है। भगवान बोले हमने भुला दिया, बोले हाँ, बोले हमने तो सुना है कि प्रत्येक कल्प में आपका अवतार होता है, और कई कल्प बीत गए अवतार हुआ ही नहीं, कैसे। बोले जानकी जी से पूछ लो। निमिष निमिष करुणा यतन कि जाई कलप सम बीति बेगी चलिए प्रभु आनिए भुजे बले खले दल जीत। वहां जानकी जी के एक एक पल कल्प के समान बीत रहे हैं। अब कल्प में आपका अवतार होना चाहिए। अब ऐसा समाचार सुनाया कि सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना परी आए जल राज उनैना परी आए जल राज उनैना। हनुमान जी ने कितना कमाल किया कि सीता जी के आंसू बह रहे थे, उन्हें ऐसा समाचार दिया कि उनके आंसू बहना बंद हो गए, और राम जी को ऐसा समाचार दिया कि उनके आंसू बंद थे तो बहना चालू हो गए। ऐसे संवाददाता हैं हनुमान जी महाराज कि बिछड़े हुए को मिला देते हैं।